ऑपरेशन रद्द अल फसाद के तहत सवाबी के इलाके सलीमाबाद में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 10 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साही से। ऑन बताइएगा, ये कार्रवाई की है, 10 दहशतगर्दों को मारा गया है? जी बिल्कुल, ये एक्सटेंशन है जो कल से ऑपरेशन रद्द अल फसाद की कार्रवाइयां जारी हैं सवाबी में। कल भी आपको याद होगा कि मलकाबाद के एरिया में सवाबी में 2-5 दहशतगर्दों को हलाक किया था और 2 हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान और एक सिपाही और एक कैप्टन जो है वो शहीद हुए थे। तो कल वहां से एक जो दहशतगर्द पकड़ा गया था उसी ने कल जो है वो इंफॉर्मेशन दी, जिसकी बेसिस पे कल रात गए बेसिकली जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे सलीमाबाद के एक उनके ठिकाने पे हमला किया, उसका घिराव कर लिया और जब अंदर से जो दहशतगर्द हैं जब उनकी तरफ से मुजाहमत आई तो वहां पे जो है वो फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 10 जो है वो दहशतगर्द हलाक हो गए। जी ऑन साही ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि ऑपरेशन रद्द अल फसाद कल सवाबी में एक ऑपरेशन हुआ था, उसी की एक्सटेंशन आज एक और कार्रवाई की गई है जिसमें 10 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया है। ऑपरेशन रद्द अल फसाद के तहत सवाबी के इलाके सलीमाबाद में ये ऑपरेशन किया गया है जिसमें 10 दहशतगर्दों को मारा गया है। भारी मकदार में असलाह इनके कब्जे से बरामद हुआ है।